लेट्स टेक आउट योर गवर्नमेंट बुक। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 19 एरिया। ओके, ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट एरिया। व्हाट इज एरिया? द मेजर ऑफ द सरफेस ऑफ फिगर इज एरिया ऑफ दैट फिगर। ठीक है, अगर हम किसी भी फिगर की बात करें, चाहे बुक हो या ये डस्टर है, इसका ये जो सरफेस है, ठीक है, इसको अगर हम मेजर करते हैं तो ये इसका एरिया होगा। ओके, अगर ये आप फिगर देख रहे हैं, स्क्वायर बना हुआ है, इसको अगर हम मेजर करते हैं इस तरह से यूनिट ब्लॉक बना के, तो ये इसका क्या कहलाएगा? एरिया। उसके प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पैरीमीटर एक्सप्लेन किया था। पैरीमीटर क्या है? सिर्फ ये जो बाउंड्री है किसी भी फिगर की, जो आउटलाइन या बाउंड्री हम बोलते हैं, वो पैरीमीटर कहलाती है। ओके, बट एरिया क्या है? किसी भी फिगर या ऑब्जेक्ट का जो सरफेस वाला भाग है, सरफेस है, वो उसका एरिया कहलाता है। ओके, डिफरेंस क्लियर है पैरीमीटर और एरिया में? यस मैम, यस मैम। नाउ टर्न आउट पेज नंबर 164। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ फिगर बने हुए हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, तो आप इनके कैसे फिगर कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे वो जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे मैंने आपको पैरामीटर के फॉर्मूले बताए थे, वैसे ही एरिया के फॉर्मूले होते हैं जो आपके लिखना है और लर्न भी करना है। ठीक है, फर्स्ट वी राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर? किसी भी फिगर का जो रेक्टेंगुलर है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इनटू साइड। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्क्वायर है वहां पे ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो हम लेंथ और ब्रेथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? साइड इनटू साइड। ठीक है, दोनों फॉर्मूले क्लियर है आपको? यस यस मैम, यस मैम। चलिए अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो एक्सरसाइज है आपकी वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर 164 पे, आप देखिए कट सरफेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फ्रॉम द कार्डबोर्ड। यहाँ पे इस तरह से कुछ फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला देखिए, आप स्क्वायर का दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। साइड इसकी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि जो फिगर है वो स्क्वायरिकल है। ठीक है, तो स्क्वायरिकल का मैंने एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया हुआ है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बताया बेटा? साइड इनटू साइड। वेरी गुड, साइड इनटू साइड इनटू साइड साइड। तो यहाँ पे साइड क्या दिया हुआ है इस फिगर में? क्या है साइड? टू साइड क्या? टू सेंटीमीटर। टू सेंटीमीटर, वी राइट ओवर हियर 2 into 2, देन वी हैव आंसर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब अगर किसी रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है, अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, वृद्धि हुई है 2 सेंटीमीटर, अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तब हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। नाउ वी मल्टीप्लाई देम, तो 4 × 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हुआ? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? चलिए अब पेज नंबर
पेज नंबर 167 पे जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, ये आप निकालिए. यस मैम. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हूज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, क्या दिया हुआ है, लेंथ कितनी है मैम? लेंथ 8 सेंटीमीटर. यस, सो फर्स्ट ही राइट क्वेश्चन मैम. लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर. ब्रेथ 4 सेंटीमीटर. यस, तो सबसे पहले जो गिवन है, आप ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सम है, तो जो गिवन है पहले हम उसे लिखेंगे. रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम लिखेंगे पहले. कितना है रेक्टेंगल लेंथ? 8 सेंटीमीटर. Then breath 4 centimeter. Equals to 4 centimeter. ठीक है, अब आपको find क्या करना है, area. So we write area of rectangle equals to length into breadth. Length आपकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर. What is the product of 8 into 4? Product of 8 and 4 क्या होगा? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए. क्वेश्चन नंबर टू रीड करिए गीतिका को. यस मैम. द रेक्टेंगल ऑन द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया. सेम क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर. मतलब हमेशा शॉर्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर. हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड 15 को. तो यहाँ पे देखिए 15 5 75 75 75. ये 5 लिखेंगे, 7 कैरी ओवर जाएगा 2 पर. 15 2 15 2 30 30. और ये 7 कैरी ओवर था, 7 इसे प्लस करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा बेटा? 37 स्क्वायर. और यूनिट क्या दी हुई है सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, 375 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. यस मैम. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. अ रेक्टेंगल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड. अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में वर्ड चेंज हुए हैं. ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग बोला गया है, तो लॉन्ग मीन्स भी लेंथ होता है. ठीक है, लॉन्ग वर्ड भी किस लिए यूज किया जाता है, लेंथ के लिए, और वाइड वर्ड यूज किया जाता है ब्रेथ के लिए. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, ये समझ में आया कि लॉन्ग दिया गया है, 50 मीटर लॉन्ग है, दैट मींस यहाँ पे लेंथ दी गई है 15 मीटर एंड जो
वाइड मीन्स चौड़ाई दी गई है, ब्रेथ दी गई है, वो कितनी है 6 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपको होमवर्क में करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ। फोर्थ है द साइड ऑफ, ठीक है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे एक ही साइड दिया गया है, ठीक है, और आपका स्क्वायर में मैंने आपको बताया हो कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए एक ही साइड दिया गया है, ठीक है। तो स्क्वायर का साइड इक्वल टू हम लिखेंगे इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। देन एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे हम, साइड इनटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड दी हुई है 9, 9 इनटू 9 करेंगे तो 9 9 का कितना होता है मैम 81, मीटर, ठीक है। तो एरिया क्या निकल के आया स्क्वायर का, 81 स्क्वायर मीटर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप लोगों को करना है, अभी आप जो करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए यहाँ पे साइड दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसका एरिया निकाल के बताइए आप, साइड दी गई है आपको 16 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड आउट करिए इसका। सॉल्व करिए बेटा, कितना बेटा 46, रिपीट कीजिए कितना है आंसर मैम 46 स्क्वायर सेंटीमीटर, 46 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हूज साइड इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो इसका निकालेंगे साइड इनटू साइड, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करना है आपको, तो आंसर आएगा 256। कितना बेटा मैम 256 सेंटीमीटर, मैम 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज द राइट आंसर, यस 256 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ओके। मेरा तो सही निकला, यस आपका सही निकला, यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, रीड करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए। द कबड्डी फील्ड इज 14 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर बोर्ड, व्हाट विल इट्स एरिया बी। द कबड्डी फील्ड, ठीक है, जहां पे कबड्डी खेली जाती है ना वहां कबड्डी फील्ड की बात हो रही है, is 14 meter long and 18 meter broad. Broad मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी broad means breadth दी हुई है और long means length दी हुई है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम जो गिवन है वो लिखेंगे द लेंथ ऑफ कबड्डी फील्ड इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 14 मीटर. देन द ब्रेथ दी हुई है फील्ड इक्वल टू दिया हुआ है 8 मीटर. ओके नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, देखिए अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है क्वेश्चन में दैट मीन वो जो फील्ड है वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड L into B, ठीक है. तो यहाँ पे लेंथ है 14, ब्रेथ दी हुई है 8, तो 14 इज का कितना होगा, 14 इज का कितना होगा बेटा, मैम 112. कसम से यार मैं मार वार दूंगी. 112 स्क्वायर मीटर. बेटा आपको 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है. ओके यस मैम. आंसर क्या होगा, कबड्डी फील्ड का एरिया क्या निकल के आया है, सो द एरिया ऑफ कबड्डी फील्ड इज 112 स्क्वायर मीटर. ओके चले क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैं रीड करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए डैश करके लिखा है, लिखा है यस मैम, डैश मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर ब्रॉड रूम. ठीक है, देखिए ब्रॉड दिया हुआ है 4 मीटर, दैट मींस ब्रेड दी हुई है, बट लॉन्ग यानी कि लेंथ के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ दे सकते हैं, बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होती है, ब्रेथ से थोड़ा सा ज्यादा होती है. ठीक है, तो अगर लेंथ ब्रेथ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दी हुई है तो लेंथ हम 6, 7 या 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं. ठीक है ना, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए जो ज्यादा होता है वो लेंथ होता है, जो कम होता है वो ब्रेथ होती है. तो यहाँ पे मैंने 6 ले लिया है, अगर आप चाहें तो कोई दूसरे नंबर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एंड ब्रेथ दी हुई है एरिया, तो लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर. नाउ एरिया मम्मी का है कितना होगा, 6 4 24 स्क्वायर मीटर. वेरी गुड, 24 स्क्वायर मीटर. ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे. मैम मैम यस, A car room. A carom board has a side of 25. A carom board has side of 75 centimeter. Find its area. Carom board का side दिया हुआ है, so obviously side बस दिया गया है. यहाँ पे length और breadth अलग अलग नहीं है. That means carom board कैसा होता है आपका, किस shape का होता है carom board? इसलिए इसकी वन साइड दी गई है, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायरिकल कैरम
बोर्ड इक्वल्स टू साइड इनटू साइड. ठीक है, अब वन साइड दी हुई है 75 सेंटीमीटर. इसको मैं यहां लिखती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे रफली अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 5 5 25 25, 2 कैरी ओवर, 5 7 35, 5 + 2 कितना होगा 37. 37 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 5 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर, 7 7 49 49 49 + 49 + 3 कितना होगा 52 52 52 52 7 + 5 कितना होगा, 7 + 5 कितना होगा बेटा मैम, 12 12 7 + 5 12 3 + 2 5 + 6 12 कितना निकल के आया एरिया 5625 square centimeter. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यस मैम. नाइन्थ वाला है, नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखिए. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हूज साइड इज ऑफ 55 मीटर. स्क्वायरिकल गार्डन है जिसकी साइड गिवन है 55 मीटर. ये आप लोग को यस, ये वाला भी आप होमवर्क लिखिए. क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको एरिया का फॉर्मूला लगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा लगाकर सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन करती हूँ. द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा. लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इज ट्विस्ट इट्स ब्रेथ का मतलब होता है कि जो ब्रेथ दी हुई है उसके ट्विस्ट है. ट्विस्ट मतलब कि डबल है, ठीक है ना? तो ब्रेथ कितनी दी गई है, इफ द ब्रेथ इज 9 मीटर. तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं ब्रेथ जो कि पहले दिया हुआ है. ब्रेथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इक्वल्स टू दी हुई है 9 मीटर. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू फॉस्टर लेंथ क्या होगी, length of a playground. Twist बोला गया है तो हम 9 × 2 करेंगे. ठीक है, तो 9 × 2 का कितना होगा 18 मीटर. That means length कितनी हो गई है 18 मीटर. अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है. So we write here area of playground which is rectangular equals to length into breadth. The length है 18 और breadth है 9. So 18 9 कितना होगा बेटा, 162. Yes, 162 is the right answer. Yes, ma'am. Okay, clear it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए nine वाला आप लोग solve करके दिखाइए. Ma'am, अभी ninth. Yes, right now. बेटा क्वेश्चन नंबर 9 सभी को सॉल्व करना है, सॉल्व करिए. यस मैम.
सॉल्व किया बेटा? यस मैम। नो मैम। मैम आंसर 9 मीटर ही आएगा। 9 मीटर ही आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। 9 मीटर कैसे आ जाएगा मैम? 30 मैम 3025 स्क्वायर मीटर। आई एम सो सॉरी मैम। 55 इनटू 55 करना है आपको, ठीक है? तो पहले ये देखिए 55 को 5 से करेंगे। मैम 3025 स्क्वायर मीटर। यस यस मैम। कितना है? 30 स्क्वायर मीटर। 3025 यस दिस इज राइट आंसर मैम। 3025 है। यस मैम। ठीक है? तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पेज के हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके नाउ यू कैन लीव योर क्लास। हैव अ नाइस डे मैम। बाय। हैव अ नाइस डे मैम। बाय। हैव अ नाइस डे मैम।